क्या हो गई? पहले हज में बहुत परेशानी थी, उनसे पूछो जो पानी के जहाज से हज करने गए, उन्हें पता है हज कितनी मुसीबतों से होता था। आज तो साहब मुंबई से बैठे 2 घंटे में जिद्दा पहुंच गए, फ्लाइट साए से उड़ के हवा में जिद्दा 1.5 से 2 घंटे के अंदर। और पहले एक बड़ी जहाज होता था मुंबई से मिलता था, पानी का जहाज हुज्जाजे इकराम, उसी पानी के जहाज में बैठते थे। हुजूर सरकारे कला भी गए हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पहले के लोग उसी जहाज से, और हुजूर शेखुल इस्लाम भी गए अल्हम्दुलिल्लाह। आपके भागलपुर के कोई हाजी साहब उनके साथ गए थे, और यही नहीं बल्कि हुजूर गाजी मिल्लत भी उसी पानी के जहाज से गए। और साहब सुने, वो पानी का जहाज होता था जिसपे चलता था पानी पर, किस पे? रेत वाला जहाज नहीं था जो मिट्टी पे चलने लगे, वो पानी का जहाज था, पानी पे चलता था। एक हाजी साहब, पहले की बात है, तैयार हुए, सफर हज मुकम्मल हो गया, सफर हज की तैयारी मुकम्मल हुई, हाजी साहब घर से निकले। अब गांव वाले खुश, हाजी साहब हज के लिए जा रहे हैं, गांव के लोग खुश होते कि नहीं कि हज करने के लिए जा रहे हैं? रोते, हमने उन्हें भी देखा है कि जब लोग हज के लिए जाते हैं तो आशिकाने मुस्तफा रोने लगते हैं। क्यों? हमने पूछा रोने की वजह क्या है, कहने लगे इसलिए कि हमारे पास इतना माल नहीं, इतनी दौलत नहीं, इतनी सरवत नहीं कि हम हज को जा सकें। ये आंखें इसलिए बह रही हैं, ये आंखों से आंसू इसलिए निकल रहे हैं ताकि हुजूर नजरे गर्म कर दे और हम भी हुजूर का मुकद्दस रोजा देख लें। अब हाजी साहब गांव से तैयार रेडी हो गए, हज के लिए जाने लगे, सफर हज की तैयारी मुकम्मल हो गई, बैग पैक हो गया, गांव वाले आए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाजी साहब हाजी साहब। बंदा पूरी जिंदगी नमाज पढ़ने के बाद नमाजी नहीं बनता, मगर खुदा की इज्जत की कसम मुस्तफा का रोजा इतना मुकद्दस है, एक बार नबी की रोजे की जियारत कर लेता है हाजी बन जाता है। नमाज पढ़ते पढ़ते दम निकल जाए फिर भी कोई नमाजी कहने को तैयार नहीं, मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत की शान पर, एक बार नबी के रोजे की जियारत कर लो हाजी बन। अब हाजी साहब तैयार, लोग नारे पे नारा लगा रहे हैं, लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, हार पहना रहे हैं, कोई कदम चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, हाजी साहब निकले। अब ये हुआ कि मुंबई जाना है, हाजी साहब मुंबई के लिए रवाना हुए, मुंबई पहुंच गए, अकबरी जहाज का टाइम मुतय्यन था, अकबरी जहाज जाने वाला है, सारे हाजी जिन्हें हज के लिए जाना था वो जहाज पे पहुंच गए। हाजी बड़ा चालाक था, दुनियादार था, जो हज की नियत की वो था दुनियादार शख्स था, दुनिया की लालच उसके दिल में थी। वो सोचने लगा, यार मुंबई में अकबरी जहाज है, पानी का जहाज है, पानी के जहाज में बैठो, महीनों सफर करो, पता चला कहीं खुदा ना खास्ता तूफान आ गया तो फिर जहाज जानी पे मुखालिफ चलने लगता, भाई हवा पूरब की तरफ जहाज जा रहा है, पूरब से हवा आ गई तो जहाज वापस पीछे चला जाएगा। हाजी साहब सोचने लगे कि यार हज पे जाएं, महीनों सफर करना पड़े, कहीं तूफान आ गया, कश्ती डूब गई, जान से हाथ धोने पड़ेंगे। अच्छा हज करके जब हाजी जब हज के लिए जाता है तो उसे मिलता क्या? दुनियादार थे, सोचने लगे क्या मिलता है, लेके क्या आता है हाजी? हाजी जब हज करके हज करने जाता है, हज करके लौटता तो क्या लेके आता? तो सोचने लगे जब हाजी जाता है तो क्या लाता है? जमजम। क्या और क्या लाता है? आप लोग बताइए, आपके गांव में हाजी जब जाते हैं लेके क्या आते हैं? हजूर और जमजम। और बस दो ही आइटम लाते हैं, बड़े कंजूस हैं हाजी यहाँ के। जानमाज। जानमाज। और कोई करीबी हो तो उसके लिए टोपी भी ले आते हैं, टोपी पहना दी जाती है। अच्छा हमारा कोई चाहने मानने वाला हो हज करने लिए जाए तो वो जमजम भी लाएगा, खजूर भी लाएगा, टोपी भी लाएगा, मुसल्ला भी लाएगा, तस्बीह भी लाता है। और हम जैसे सैयद साहब क़िबला का चाहने वाला हो तो वो हजरत के लिए जुब्बा भी ले आता है, हजरत आपके लिए जुब्बा लेके आता हूँ, मदीने का बेहतरीन जुब्बा होता है, ठीक है ना? हाजी जब जाता है तो क्या लाता है? जमजम। ये तो कॉमन है, खजूर। गांव में हर आदमी को, भाई आओ ये जमजम शरीफ पी लीजिए, ये खजूर तो खा लीजिए, सबको मिलता है। मतलब यूं समझे कि जमजम और खजूर तो आम हर किसी को दी जाती है, हर किसी को अता की जाती है, मगर जो करीबी होता है जैसे इमाम साहब मुफ्ती साहब क़िबला हैं तो इनके लिए मुसल्ला, हजरत आपके लिए मुसल्ला, ये तस्बीह है, ये टोपी है, जो बहुत खास होगा उसको मिलता है, ठीक है ना? ऐसा ही है ना, बात अगर गलत लगे तो बोल देना।
معاملہ اپنا ہے، آپ بھی اپنے، الحمدللہ سب سلسلے اشرفیہ سے وابستہ لوگ ہیں، سب آپس کا معاملہ، کوئی دقت کی بات نہیں، ٹھیک ہے نا؟ زمزم آم ہے اور کھجور آم ہے، کیا آم ہے؟ باقی سب انگور نہیں ہے، مطلب وہ بھی سامان ہے مگر یہ کامن۔ اب وہ حاجی بڑا چالاک تھا جو حج کے لیے جا رہا تھا، اس کے دل میں حج کی اہمیت نہیں تھی۔ مصطفیٰ جانِ رحمت کے مقدس روزے کا مقصد کیا ہے، حج کا مرتبہ کیا، اسے پتا نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا یار مہینوں سفر کرو، پانی کے جہاز میں طوفان آ جائے، زندگی چلی جائے۔ بندہ حج کر کے آتا ہے تو لے کے کیا آتا ہے؟ زمزم لاتا ہے، کھجور لاتا ہے، تسبیح لاتا ہے، مصلی لاتا ہے، ٹوپی لاتا ہے، یہی سامان لاتا ہے نا، یہ چار پانچ مشہور سامان ہے، یہی لے کے آئے گا نا حاجی۔ وہ کہنے لگا جانے کی ضرورت نہیں، حج پہ نہیں جانا ہے اپن کو، اکبری جہاز، پانی کا جہاز، خطرے کا کام ہے، پتہ نہیں بچوں نہ بچوں۔ گاؤں میں تو بھی میری 10 کٹھا زمین ہے، 20 کٹھا زمین ہے، کھیت لہلہا رہا ہے، میں نے بہترین بنگلہ بنا دیا، مکان بنا دیا، لڑکے بچے چھوٹے ہیں، کیا کریں گے جا کر؟ جو جا رہے ہیں انہیں جانے دو، ایسا ہے کہ ان کو چلے جانے دو، جب یہ واپس آئیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور بمبئی میں گھومنے لگا، حاجیوں قافلہ چلا گیا، یہ بمبئی میں ٹہل رہا ہے، کبھی جوہو جا رہا ہے، کبھی ماہم جا رہا ہے، کبھی حاجی علی ہے، بڑی بڑی عمارتیں دیکھ رہا ہے، یہ 25-25 منزلہ عمارتیں، 50-50 منزلہ عمارتیں۔ اب وہ بمبئی کی دنیا میں مست ہو گیا، آیا حج کرنے جا رہا تھا، حج کرنے۔ وہی ہوتا ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ نکلا تھا حج کی نیت سے، بہک گیا اور خوب ٹہل رہا ہے بمبئی کی دنیا۔ بمبئی کی دنیا صاحب، بڑے بڑے جا کے بہک جاتے ہیں وہاں، یہ تو دنیا دار شخص تھا، اس لیے کہ بمبئی میں ایک سے ایک آئٹم ہے، ایک سے ایک آئٹم ہے۔ یہ تو مخدوم ماہمی کا کرم ہے جو بمبئی والے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کسی علاقے کو الگ کر دیا جائے، خدا کی قسم وہ علاقہ تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ خوش نصیب ہیں سلطان پور کے باشندوں، اس لیے کہ آپ زندگی گزار رہے ہیں، مگر آپ کے سروں پر جو فیضان ہے وہ ان اللہ والوں کا، خوب گھوما، خوب ٹہلا۔ اب جب 3 مہینے کے بعد حاجیوں کا قافلہ 2 مہینے کے بعد لوٹا، اسے پتا چل گیا کہ حاجی آ رہے ہیں، بس یہ بھی گیا، دکان میں پہنچا، بھیا زمزم دے دیجئے، 30 لیٹر زمزم خریدا، کھجور خرید لی، مصلی خرید لیا، تسبیح خرید لی، ٹوپی خرید لی، سارا ضرورت کا سامان خرید لیا جو حج میں ملتا تھا۔ آیا اب حاجی پہنچ گئے، یہ بھی پہنچ گیا بمبئی، اب بمبئی سے نکلا اپنے گاؤں کے لیے، اب گاؤں کے لیے روانہ ہوا، گاؤں والوں کو پتا چلا حاجی صاحب حج کر کے آ گئے، گاؤں والے نعرے لگا رہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حاجی صاحب خوش آمدید، اہلن وسہلن مرحبا، ویلکم، استقبال ہے۔ حاجی صاحب کا سینہ جیسے 56 انچ کا چوڑا ہو گیا، حج کرنے تو گئے نہیں تھے، مکاری کرنے گئے۔ اب حاجی صاحب پہنچے ایک دم خوشی سے، پھولے نہیں سما رہے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی متھا چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، حاجی صاحب کو اس لیے نہیں چوم رہے کہ حاجی صاحب کی شکل اچھی ہے، حاجی صاحب کی صورت اچھی ہے۔ جو قوم چوم رہی تھی وہ اس وجہ سے قدموں کو چوم رہی تھی، اس لیے کہ حاجی صاحب قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ حاجی صاحب اس مقدس در سے آئے ہیں کہ جس مقدس زمین نے محمد رسول اللہ کے قدموں کو چوما۔ لوگ دیوانے اس لیے چوم رہے تھے۔ اب حاجی صاحب بھی ایک دم مگن، سوچنے لگے یار اتنا چومیں گے لوگ تو میں تو ہر سال بمبئی کی سیر کر کے آؤں گا اور ہر سال اپنے گاؤں والوں کو چوماؤں گا۔ ایک دم مست، خوب خوش ہو رہے، ایک دم خوش و خرم ہو رہے، سینہ چوڑا ہو رہا ہے، ٹہل رہے ہیں، دائیں بائیں ہو رہے ہیں، بالکل مگنا مگن ہے۔ اچھا کچھ حاجیوں نے دیکھا، گاؤں میں پہلے سے حجات کرام کی ایک جماعت تھی، حاجی نے پوچھا حاجی صاحب حج کیسا تھا آپ کا؟ کہنے لگے حج الحمدللہ، ثم الحمدللہ، حج بڑا بہترین، بڑا شاندار، یوں صفا جاتا تھا، یوں مروا، اتنا سناٹا، اتنا سناٹا۔ اور طواف کعبہ لوگ کہتے ہیں دھکے لگتے ہیں، وہاں تو جیسے لگ رہا میری حفاظت کے لیے کوئی لگ گیا تھا، جیسے ہی میں نکلتا تھا طواف کے لیے راستہ صاف، یوں طواف، یوں طواف، طواف پہ طواف، ایک دم سارے ارکان میں نے ادا کر دیے۔ اب گاؤں کے جو پرانے حاجی تھے، سمجھدار مکھیا قسم کے لوگ، کہنے لگے یار حج کا نام نہیں ہے، حضور کی محبت میں سب کچھ قربان کر دینا،
हज का नाम है तकलीफ झेलना। हज पिकनिक नहीं है, हज टूर नहीं है। आज तो कौम के पास इतनी दौलत हो गई है, इतना सरमाया हो गया है कि लोग उमरा हुजूर को राजी करने के लिए नहीं जाते, बल्कि आलम तो यह है खुदा की इज्जत की कसम कि वो काबा मुकद्दस जो खुदा का घर है, आज लोग खड़े होकर काबे के सामने फोटो खींचते हैं, काबे के सामने लाइव वीडियो बनाई जाती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुकद्दस रोजा, अल्लाहु अकबर, वो नबी की मुकद्दस बारगाह जहां मुहद्दिसीन भी अगर दर से हदीस देते थे तो आवाज धीमी कर लिया कर ले। आज कौम जाती है तो मालूम है लोग चिल्लाते हैं, हमें लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा, फोटो सही आ रही कि नहीं आ रही। ये उमरा तुम्हारी जिंदगी बनाएगा नहीं, खुदा की इज्जत की कसम, क्या तुम्हें कुरान का फरमान पता नहीं है कि वो मुकद्दस दरबार है कि जहां सारी जिंदगियों की नेकियां, सारी जिंदगी के आमाल अगर हुजूर की बारगाह में बुलंद आवाज से आवाज निकाली जाएगी तो सारे आमाल तुम्हारे मुंह पे। कौम भूल गई, कौम उमरा करने नहीं जा रही, हज करने नहीं जा रही, टूर करने जा रही, पिकनिक मनाने जा रही। पैसा इतना इफरात हो गया, उलमा से कुर्बत नहीं है, अल्लाह वालों से करीब नहीं है, इसलिए कि उनकी नजरों में दुनियादारों की जिंदगी। अब हाजी साहब पहुंचे घर, अब गांव के मुखिया लोगों ने जब पूछा हाजी साहब तवाफ हो गया, कहने लगे हाँ तवाफ बड़ी आसानी से, सफा और मरवा की सही कर ली। हाँ सफा और मरवा की सही भी हो गई। हाजी साहब मुखिया जो थे वहां के, उन्होंने कहा यार ये तो सब में आसानियां बता रहा है, इसे तो कहीं मुश्किल पेश ही नहीं आई। हज और उमरा बंदा जाता है तो पूरी मेहनत लगा देता है ताकि हुजूर राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, मशक्कत करता है, मेहनत करता है। ये तो कह रहा है कि हमने सब आसानी से कर लिया। बीच में एक हाजी साहब मौजूद थे, उन्होंने पूछा ये बताओ हजरे अस्वद को चूमा कि नहीं चूमा। पढ़ा लिखा होता, चालाक होता, समझदार होता तो जवाब दे देते, बड़ी आसानी से जवाब दे देता, मगर खुदा को जब बेनकाब करना होता है तो बहाने बन जाया कर। जब एक हाजी साहब ने पूछा कि हजरे अस्वद को चूमा, तो कहने लगा रे हाजी साहब आप चूमने की बात करते हैं, मैं तो हजरे अस्वद के साथ बैठकर खाना खा रहा था। आप हजरे अस्वद को चूमने की बात कर रहे हैं, अगर उसे पता होता कि हजर कहते किसे, अस्वद का माने क्या है, तो शायद वो माने से बता दे, मतलब से बच जाता, मगर खुदा को बेनकाब करना था। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये हज और उमरा पिकनिक करने वालों, टूर करने वालों, हुजूर ने फरमाया था, हदीस पाक का मफहूम है, आका फरमाते हैं लोग आज हज इसलिए करने नहीं जाते, अगर पूछा जाए हज को जाओगे तो कहते हैं बेटी बड़ी हो गई है, शादी करना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे फराइज मुझ पर बाकी हैं, माल है मगर हज को नहीं जा रहे, उमरा करने नहीं जा रहे, इसलिए कि 2 लाख खर्चा हो जाएगा, 4 लाख खर्चा हो जाएगा। हुजूर फरमाते हैं बंदे मोमिन जब हज करता है और हज करके लौटता है और अगर अल्लाह उसके हज और उमरा को कबूल कर ले तो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे ही आज माँ के पेट को पैदा किया गया है। हज और उमरा गुनाहों से पाक और साफ करने वाली दौलत है, गुनाहों से पाक और साफ करने वाला सरमाया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरूरत इस बात की है, ये अल्लाह वाले जलसा करने से राजी नहीं होंगे। 10,000 रुपया दे दिया, 500 रुपया दे दिया, अल्लाह वाले राजी हो गए, नहीं नहीं, इन अल्लाह वालों को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, ये अल्लाह वाले तब राजी होंगे जब हुजूर की जिंदगी आप अपना किरदार अपनाएंगे, हुजूर की सीरत तैयबा अपनाएंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैंने वो शेर कहना चाहा था मगर मैंने कहा नहीं, बस इन अशआर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह अकबर कि सफर तवील है, उम्र दराज छोटी, समझ में आए तो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहिएगा। सफर तवील है, उम्र दराज छोटी है, और अली का जिक्र बड़ा है, हयात छोटी है, अली का जिक्र बड़ा है, हयात छोटी है, और अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूं, अली
अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूं। अरे बड़ा है नाम अली, कायनात छोटी है। बड़ा है नाम अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स दमड़ी शाह, सैयद माज अशरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर कहता है कि लहद में तस्करे बू तो राब कर दूंगा, लहद में तस्करे बू तो राब कर दूंगा, और सवाल कोई हो ला जवाब कर दूंगा। और मेरे गुनाह ज्यादा है फरिश्तों मगर, मेरे गुनाह ज्यादा है फरिश्तों मगर, अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा, अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बस आखिरी जुमला कह के गुफ्तगू खत्म करता हूं। आज लोग पैगंबर इस्लाम को पैमाने में तौलते हैं, नबी के मकाम को मीजान में नापने की कोशिश करते हैं। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं अरे महबूब का मकाम तो बहुत बुलंद है, मुस्तफा की शान तो बहुत आला है, अरे महबूब के कदमों से जो खाक मस हो जाए तराजू में उसे तौला नहीं जा सकता, मीजान में उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, उसका वजन नापा नहीं जा सकता। मुस्तफा के जिस्म से बनने वालों को कहां से तौल सकते। वो कौम मूसा थी कि 40 रोज के लिए मूसा गए, कौम राहे रास्त से भटक गई, सिराते मुस्तकीम से हट गई, कौम सही रास्ते से भटकी हुई नजर आई।